ये व्हाट्सएप पीपल के साथ चला वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो घर हम दोबारा से खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज में। तो गाइस हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने एग फार्म बनाया था जो आपको यहाँ से वो दिख रहा होगा, छोड़ो उसको। आज हम एक और फार्म बनाने वाले हैं, नहीं फार्म नहीं, हम वो बनाने वाले हैं अपनी लाइब्रेरी, क्योंकि इंटेंटमेंट तो हमें करनी है इंटेंट, क्योंकि हमें पावर बनना होगा अंडर ड्रैगन से फाइट करने की, तो इंटेंटिंग तो करनी होगी। उसके लिए हम अपने घर में तो रख नहीं सकते क्योंकि इतनी जगह है नहीं, तो हम उसके लिए पर घर बनाने वाले हैं। लेकिन हाँ इंटेंटमेंट वो क्या कहते हैं इंटेंटमेंट टेबल हम आज नहीं लाने वाले, लेकिन हाँ घर बना के रख दे रहे हैं, फिर हम अगली एपिसोड में या किसी भी एपिसोड में उसको ला के रख देंगे और हम इंटेंटिंग करेंगे। तो मैंने ना बहुत सारे लॉक जमा कर लिए, दो लॉक कहाँ गया, दो लॉक कह रहा हूँ, दो स्टैक लॉक कर लिए आगे जाके करा यहाँ के, तो हाँ नहीं तो पेड़ ही सारे मैंने खोद दिए। मेरी एग्स भी टूट गई, मैंने दो एग्स बनाई थी, दो दो दोनों टूट गई हैं। अब एग्स का वैसे भी अब कोई काम नहीं, नहीं नहीं आ रही है क्योंकि हम वो प्रेस करेंगे गलत लग जाएगी तो हम कैसे किससे तोड़ेंगे। तो चलो वो बात तो छोड़ो, वीडियो एंड तक देखना, बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनाएंगे एंड वीडियो को लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, एंजॉय द वीडियो। गाइस मैंने सोचा कि मैं यहाँ बनाऊँ, ये मैंने फ्लैट तो नहीं करी लेकिन हाँ इधर ग्रास बड़ी बड़ी थी ना ये तोड़ी है। और गाइस ये देख सकते हो मेरे भाग मेरा करेक्टर भाग रहा है, देखो मैंने एक स्किन लगा दी ये क्रीपर वाली, क्रीपर फेस वाली। अब हम भाई क्या करूँ, अब हमें आपको देख रहे होगा हमने स्किन एक क्रीपर वाली लगा ली स्टूडेंट बन के क्रीपर, हम अपना आर्मर भी पहन लेते हैं। अब हम अपनी लाइब्रेरी बनाना स्टार्ट करते हैं, पहले तो सब में पहले क्राफ्टिंग टेबल, ये देखो क्राफ्टिंग टेबल कहाँ है, क्राफ्टिंग टेबल को ना हम इधर रख दिया है, इधर इधर सही है। अब हम इधर से सब में पहले वुड वुड लेंगे, वुड हम पूरा वुड लेंगे, कम से कम अभी तो एक स्टैक और आधा ले लेता हूँ, बस इतना बहुत है। एक मिनट यार, ये ना इस शेडर में ना मैं कह रहा हूँ ना ये ना ऐसी ना फॉक्स ही होती है, फॉक्स शेडर है इसका नाम, तो ये ना ऐसी फॉक्स ही होती है। तो अबे यार पानी के लिए करो, अब हमें बनाना स्टार्ट करनी है। पहले तो हम कितने हाइट की रखें मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं सोचूँ कि छः हाइट की रख लें या पाँच हाइट की, कितना हाइट की है, इतना हाइट की बहुत है, हाँ इतना हाइट की बहुत है, इतना हाइट की बनाते हैं। अब एक दो तीन तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ऐसे, अब ऐसे मुझे पहले तो अपना वो बनाना है खड्डा था, वो गोल सी शेप बनानी है, तो मुझे दो मिनट दो, मैं दो मिनटों में बना, देख सकते हो मैंने ना इधर वुड का वो गोल सर्कल बनाया लेकिन उसकी दो हाइड मैंने ना ब्लॉक कम कर दिए। अब देखो अब हमें बनानी है स्टेयर, मैंने शेडर्स भी वो कर दिए ऑफ, अब हमें बनानी है स्टेयर्स, पहले वुड ले लेते हैं लॉक बहुत सारा, बस कम से कम हमें नहीं इतने से भी काम नहीं चलेगा, 40 तो होनी चाहिए, बस एक और ले लेते हैं बस। अब हमें बे यार बचत हो गई, ये एंडरमैन के आँखों में डाल आँख डाल देगी ना अपनी आँख में, भाई साहब अभी मसला हो जाता। अबे छोड़ो खाने को, अभी अभी पहले हमें स्टेस नहीं गलत लगा रहा हूँ, गलत यार इसको मैं बाद में ठीक करता हूँ, ऐसे लगानी है ऐसे पूरा ऐसे लगानी है घूम के, फिर आएंगे हमारे स्लैब। अभी तो हम इंटेंटमेंट टेबल वो गिर जाता, अभी इंटेंटमेंट टेबल अभी नहीं लाएंगे हम, अभी तो हम बना के रख लेते हैं, क्योंकि पता है अभी मैं लिया था ना तो मैं उसको कहाँ रखता, कहीं भी नहीं रखता ना, तो उसके लिए पहले हम जगह बना लेते हैं, जैसे कि हमने विलेजरों के साथ पहले कर कि उनका घर पहले बना लिया था, विलेजर बाद में लाए थे। मैंने कुछ ज़्यादा स्टेयर बना ली थी,
चलो कोई नहीं, कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगी। अब हमें चाहिए होंगे स्लैब। यार ये अंडरबन से डर लग रहा है, ये देखो ना कैसे। अब हमें चाहिए होंगे स्लैब, बहुत सारा लॉक चाहिए होगा। अच्छा खासा ले लेता हूँ इस बार तो यार, और भर के स्लैब लेता हूँ, भर के स्लैब। हाँ बस ख़त्म, बहुत है। और स्टेयर्स भी ले लेता हूँ थोड़ी बहुत, काग शायद काम आने वाली है। मैंने जैसा सोचा था वैसे ही बनाना है मुझे घर अपना। चलो अब पहले डालते हैं इधर पानी, मैं खाना बाद में खाऊंगा क्योंकि अभी हमें कोई मारने वाला नहीं, हम पूरे छत में। चलो अबे हाँ, तो पहले हमें लगाना है स्लैब। अबे यार गलत लगा ली, अब मैं स्लैब लगा के तुमसे मिलता हूँ। देख सकते हो अभी मैंने ना इधर स्लैब लगा दी, कुछ स्लैब गलत भी लग गया। अब हमें लगानी है स्टेयर्स ऐसे ऐसे, हमें फिर से स्टेयर लगानी है। शायद हम समझ गए उसका रूफ हम कैसे बनाने वाले हैं। यार स्टेयर्स कम पड़ने वाली है, हमें ज़्यादा लेनी चाहिए थी। चलो कोई नहीं, आई क्राफ्टिंग टेबल एक बना लेंगे, आई क्राफ्टिंग टेबल बना लेंगे एक। अबे यार गलत लगा दी, दो मिनट में सेट करना है। स्टेयर्स लगा लिए हम, अब हम इसके ऊपर फिर से ऐसे स्लैब लगाएंगे। कुछ तो समझ ही गए होंगे यार, स्लैब ना मुझसे गलत भी लग रहे हैं। देखो चलो ये कौन देखेगा ऊपर ऐसे, तो फिर लगा देते हैं। वुड शायद कम पड़ जाए, मुझे पता नहीं यार, देखो ना वुड शायद कम पड़ जाए। मैं तो ऐसे ही उठा के ले आता हूँ इतना सारा, मुझे पता नहीं होता क्या कितना यूज़ होना है। बस ये शायद लास्ट है रूफ, अभी है हमारे। अबे यार ये देखो ना इतना गुस्सा आ रहा है, फिर से ऐसे करना है। और मैं ऐसे लगा रहा हूँ, अबे 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 नीचे गिरता। बस होने वाली है इसकी रूफ भी कंप्लीट। ये अबे यार स्टेयर्स कम पड़ गई, क्राफ्टिंग टेबल एक इधर लगा दें। अबे कहाँ रखूँगा मैं इसको, इसकी छत में। हाँ चलो हम सेट कर देंगे। अब हमें थोड़ी बहुत स्टेयर्स चाहिए, बस थोड़ी सी है पता। हाँ दो चाहिए थी यार, देखो फिर गलत लगा दी यार, गुस्सा आ रहा है यार, क्यों गलत लगा दो। चलो भाई चलो 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 चलो, हाँ स्लैब तो काफ़ी होंगे। अब इसको भी हम तोड़ देते हैं, क्राफ्टिंग टेबल को। अबे यार शॉर्ट से ही तोड़ता, कम से कम थोड़ा बहुत जल्दी तो टूट जाती। चल जा भाई, अब हमें इधर फिर से स्लैब बननी है। अब आग अब नहीं लगने वाली इसके ऊपर, बस अब हो गई इसकी रूफ कंप्लीट। अब आपको दिखाता हूँ कैसे लग रही है, ये देखो, ये देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है। अब हमें गेट बना लें, गेट बना लेते हैं अभी। ये देख सकते हो अब मैंने इसकी, आप रूफ समझ ही गए हो कितनी अच्छी लग रही है। मैंने इसका रूफ, मुझे ना मैंने दिमाग में सोचा था कि कैसे बनाना है, और मैंने ऐसा बना दिया है। और इधर मैंने दो गेट भी लगा दिए, और ये देख सकते हो, और एक टॉर्च लगा दी। अभी तो मेरे पास एक ही थी क्योंकि कोई मॉब वॉब स्पॉन नहीं हो जाए, हो जाएंगे एक से कोई होगा नहीं। और पानी भी डाल दिया मैंने पता नहीं क्यों। और हाँ इधर ना इंचेंटमेंट टेबल के साथ था, मैं ना लाइब्रेरियन भी छोड़ दूँगा लेक्टन लगा के। तो आइए आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको कमेंट में बताना कि आपको इसकी रूफ किस अच्छी लगी हो, और आपका ये कोई और अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हो तो मैं, जैसे कि इधर गिलास अभी और है बाकी, अभी और भी इसके मैं डेकोरेट करूँगा। तो आइए आपको वीडियो अच्छी लगी हो, बोल तो दिया था छोड़ो, आप उसको आपको इसकी रूफ अच्छी लग रही हो तो कमेंट में बता देना। आपको ये पूरी लाइब्रेरी अच्छी लगी है ना तो ये भी बता देना, और हम ये भी बताना कि हम इधर लाइब्रेरियन छोड़ें या नहीं छोड़ें। तो लाइक कर देना,
एंड सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट भी कर देना जो दिमाग में है. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.